शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, उनकी सियासत का एक ढंग है जो कि सब जानते हैं, एक मुफाहमती किस्म का अंदाज होता है गुफ्तगू करते में। आज बड़े जोरों शोर से पार्लियामेंट में बोल रहे थे, ये जो उनका मुजाहमती किरदार नजर आया है ये लंदन और जाती उमरा के दबाव का नतीजा है? एक तो आपने अभी बताया 170 सो मोटर नोटिस दो चीफ जस्टिसेस के आपने बताए हैं, तो ये 170 के 70 जो थे ना सो मोटर नोटिसेस, ये अपने दायरे इख्तियार से बाहर जो दूसरे काम थे ना, दूसरे पिलर थे जो स्टेट के, उनके कामों में मुदाखलत थी। ये सिर्फ दो चीफ जस्टिसेस का भी हमने जिक्र किया। दूसरा ये कि हमें पहले ये फैसला कर लेना चाहिए कि क्या इफ्तिखार चौधरी ने जो किया वो ठीक था या गलत था। अगर वो ठीक था तो फिर तो ठीक है, फिर तो चलना चाहिए। अगर वो गलत था और पार्लियामेंट अब उसको करेक्ट करने की जा रही है, कोशिश करने जा रही है, तो ये काबू कैसे हो गया जुडिशरी पे? जुडिशरी में हम खुद पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक गंद डाल गए इफ्तिखार चौधरी साहब और वो गंद आगे बढ़ गया है। अब उसको सफाई करने का काम अगर पार्लियामेंट ने करना है, जो कि उसकी ड्यूटी है, वो हम जैसे लल्लू पंजू उनको इसीलिए वहां भेजते हैं ना, इसीलिए भेजते हैं कि वो जाके कानून साजी करें, और उस वो कानून साजी गलत है या सही है उसका फैसला हम अगले पोलिंग स्टेशन पे जाके कर देंगे, अवाम कर देंगे। लेकिन ये फैसला हमें करना पड़ेगा कि अगर तो ये गलत है तो फिर जो करने जा रही है वो ठीक है, वरना अदलिया को खुद कर लेना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जो जजेस हैं ना, या अदलिया जो है, ये आसमान से नहीं उतरी, ये पब्लिक सर्वेंट हैं जजेस। लेट मी रिमाइंड इट अगेन, जजेस आर पब्लिक सर्वेंट, दे आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री। पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट की तरह एक्ट करना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट को पब्लिक सर्वेंट के राइट्स और जो उसका दायरा कार है उसके अंदर रहना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जजेस के डिसीजन हैं कि जजेस जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। अब ये पब्लिक सर्वेंट कहां से आए? पब्लिक सर्वेंट आए आइन से, आइन ने एक सबका दायरा कार तय कर दिया। वो आइन किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। वो पार्लियामेंट किन लोगों पे मुश्तमिल है? पार्लियामेंटेरियंस करके भेजते हैं। ये अहमियत है पार्लियामेंट की। अगर पार्लियामेंट ने, अवाम के नुमाइंदों ने अदलिया को इख्तियारात दिए हैं तो वापस भी ले सकते हैं, और वो सही है ये गलत है इसका फैसला अवाम करेंगे। और अगर उनको इख्तियारात दिए, उनसे तजावज कर रहे हैं, तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखना भी पार्लियामेंट का काम है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, और ये भी इफ्तिखार चौधरी साहब की दी गई नेमत है कि खुद ही अपने आप को सिलेक्ट कर ले। पार्लियामेंट्री सुपरविजन है ही नहीं, पूरी दुनिया में होती है, यहाँ क्यों ना हो? यहाँ कौन से जजेस जो है आसमान से उतरे हैं? आप मुझे बताएं, जो अक्सरियत, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत जजेस की वो है जो मीडियोकर लॉयर्स होते हैं, उनको सिफारिश होती है या किसी के दामाद होते हैं या किसी के वो साले होते हैं। इस मेजॉरिटी तो जजेस की सोसाइटी में यही हालात है, जो ओवरऑल सोसाइटी में ही मामलात और इंडक्शंस ऐसे हैं। एक मिनट, ना ना आयशा, एक मिनट बात सुने। आप सियासतदान को तो गाली देते हैं, जज के हाथ में जिंदगी मौत होती है, सियासतदान के हाथ में नहीं होती। जज का किरदार सबसे बेहतर होना चाहिए माशरे में। उस शख्स को हज़रत इमाम अबू हनीफा ने जज लगने से क्यों इनकार किया था, बताएं आप मुझे। मैं सारे आपके जितने दानिश्वार बैठे हैं यहाँ और जितने सुन रहे हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, क्यों उन्होंने इनकार किया था? उनका मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले नहीं सकता। इमाम अबू हनीफा यहाँ सिफारिशें करके जज लगते हैं। सर साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि जजिस का जो अखलाकी मैयार है वो अब माशरे के आम लोगों से और दूसरे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या सियासतदान हैं या जर्नैल हैं, मीडिया के लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, उनसे बेहतर होना चाहिए। ये कोई मैं मुतालबा नहीं कर रहा, ये रिवायत है पूरी दुनिया की और उसके कवानीन की। दूसरी बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि जजिस के जब सिलेक्शन होती है हाई कोर्ट के लेवल पर, और जितने भी वकील उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, उन सब की 10 साल की इनकम टैक्स रिटर्न देखनी चाहिए, कितना इनकम टैक्स रिटर्न दिया है। मैंडेटरी होना चाहिए कि वो दिखाएं कि वो कितने कानून पसंद हैं और टैक्स देते रहे कि नहीं देते रहे। फिर उसके बाद उनके एसेट्स जो हैं वो पब्लिक होने चाहिए कि एसेट क्या थे जब वो जजी उन्होंने शुरू की है और जब वो रिटायर हुए तो उस वक्त उनके एसेट्स क्या हैं और उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम क्या रहे हैं, इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स कितना देते रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनकी क्राइटेरिया में होनी चाहिए। और एक आखिरी बात, मैं जैगम साहब ने कहा है ना कि वो तरमीम के बगैर भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए भी पावर्स को रेगुलेट पार्लियामेंट कर सकती है। हर चीज के लिए आईनी तरमीम जरूरी नहीं है, तो वो उसी को कर रहे हैं। ऐसे इतना मेरा ख्याल है कि वो भोले नहीं है हुकूमत वाले भी,
लेकिन बहरहाल उन्होंने एक पॉइंट रेज किया, मैंने सोचा उसका मैं जवाब दे दूं। ठीक है जी, सर साहब देखिए बात यह है कि जो ये सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है ना, ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन आज जो सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट का नारा लगा रहे हैं, ये तब कहाँ थे जब डिप्टी स्पीकर सूरी की जो रूलिंग थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्रद कर दिया था, तब जो पार्लियामेंट की सुपरमेसी है वो किसी को याद नहीं थी, आज याद आ रही है। असल प्रॉब्लम ये है, अब जो अफसार भाई ने कहा कि जो जज का करेक्टर है वो दूसरे लोगों से बेहतर होना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, जैसा मुआशरा होता है वैसे ही नुमाइंदे होते हैं। हमारा अपना करैक्टर, बाकी लोगों का करैक्टर जो है वो भाड़ में जाए, सब जजों का करैक्टर ही मैटर करता है, और जज नुमाइंदे नहीं, प्राइम मिनिस्टर का करैक्टर मैटर नहीं करता, करता समय हमारे जैसे हैं, जजेस हमारे जैसे नहीं, बड़ी मुश्किलों। अच्छा नहीं, जजेस हमारे जैसे क्यों नहीं है, सॉरी हम जजेस जैसे क्यों नहीं है, सॉरी इखलाक का मेयार जो है वो क्या बदल जाता है, जज सच बोलेगा और हमें ये प्रिविलेज है कि हम झूठ बोले जी, या जज जो है वो रिश्वत नहीं लेगा, हमें हक है कि हम रिश्वत ले लें, करेक्टर तो सबका बराबर होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि देखे अफसर भाई एक मिनट मेरी जरा मेरी अर्ज सुन लीजिए, देखे जो इंसाफ पे बैठा हुआ जज होता है ना वो किसी का नहीं होता, वो सिर्फ इसीलिए तो कहते हैं कि कानून अंधा होता है। ये जो आज हमारा लग रहा है कि सितंबर तक तुम्हारा जज रहेगा चीफ जस्टिस, उसके बाद हमारा आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो चेहरों के साथ बदल रहे होते हैं। ये तासुर क्यों बन रहा है इसार साहब? कौन बना रहा है? आपने ही कहा अभी। मैं बना रहा हूँ, मैंने ये तासुर कहाँ से लिया है? कहाँ से लिया? कहाँ? मरियम ने कल कहा है, मरियम सफदर ने अपने बयान में कल कहा है, क्या फिर हमारा चीफ जस्टिस? उन्होंने कहा है कि सितंबर तक ये जज बदल जाएंगे, फिर बात आगे चली जाएगी। अच्छा, तो वो कहा है, तो बात ये कि जब आप ये खुद कह रहे हैं कि जी ये सितंबर तक ऐसे हो जाए, इतलात ये भी है कि सदर साहब के भी जाने का इंतजार हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान का जो निजाम है वो ग्रोहों के हाथ में है कि आज इस ग्रोह के हाथ में है, कल इस ग्रोह के हाथ में होगा, तो कल जिस ग्रोह के हाथ में होगा वो अपनी मर्जी से चलाएगा? क्या ऐसे निजाम चल नहीं रहा गुज़श्ता कुछ सालों? बिल्कुल चल रहा है, मैं तो इससे इनकारी नहीं हूँ। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इससे इनकारी नहीं हूँ, लेकिन एक जुमला जी जी हसन साहब। नहीं, मैंने कहा डे वन से यही हाल है, घबराए ना। ठीक, बाकी एक जुमला बस मैं और कहूंगा, फिर आप आगे बढ़िएगा, कि ये जो नजरिया जरूरत अदालतों में चल रहा था ना, अब इन पे नजरिया जबर ना तारी करें आप। आप अपनी ख्वाहिशात की वजह से अब कल को आप कहेंगे कि जी आर्मी के अंदर भी कोर कमांडर के लगाने का इख्तियार जो है वो इस तरह होना चाहिए, बाकियों का यूं होना चाहिए, आप अपना काम तो पूरा कर लें, आप अपनी जिम्मेदारी रेगुलेशंस के बिल्कुल रहना चाहिए, और आप अपना काम तो पूरा करें, आपकी जिम्मेदारी है गुड गवर्नेंस। मैं ले रही हूं शहजाद साहब जी। शहजाद साहब देखिए, मैं वो 1843 पे भरा था, बड़ी इंपॉर्टेंट जैगम ने बात की थी कि दो चीज मफाद आमा और फंडामेंटल राइट्स, इन दो के ऊपर 1843 है, उसकी बुनियाद है कि इन दो के लिए लिया जा सकता है 1843, यानी वो जो सो मोटो जो है। लेकिन अब जहां पे जमहूरियत की असास क्या है, एक आम आदमी के पास मफाद आमा की बात हुई ना, तो मफाद आमा में फंडामेंटल राइट में एक आम आदमी के पास जमहूरियत के अंदर क्या ताकत है? वोट की। तो जब वोट की ताकत उसको डिनाई की जा रही है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक आम आदमी का हक मार रहे हैं किस चीज के लिए? अपने 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 रूल को तमाम दवाम देने के लिए। तो इसलिए ये एक बुनियादी बात बन गई। दूसरी बात, बालादस्ती के दो तरीके होते हैं, एक जो बड़ा नजर आता है उसको काट काट के छोटा कर दो, जो कि हमारे यहां किया जाता है, काट काट के खत्म कर दो, ये भी किया जाता है, बजाय इसके कि खुद को इतना बड़ा कर लिया जाए दूसरे से बड़े नजर आना शुरू हो जाए। कोशिश करें कि हम जहां पे हैं हम बड़े हों बजाय दूसरे को काटने के। तो जब तक ये रविश भी खत्म नहीं होगी, उस तक बालादस्ती भी कायम नहीं होगी।